छठ महापर्व के मौके पर यह सबसे खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त गंगा घाट का जायजा ले रहे हैं। वह नाव पर यानी स्टीमर पर सवार होकर के इस वक्त पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण करने निकले हैं। और ये गंगा घाटों का विहंगम दृश्य, जहां जन सैलाब उमड़ा पड़ा है और आस्था का यह सैलाब ऐसा है कि कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में गंगा घाटों पर पहुंचे हैं। प्रशासन ने गंगा घाटों पर पहले से ही इंतजाम किया हुआ था। मुख्यमंत्री खुद तीन तीन दफ़े इन तैयारियों का जायज़ा ले चुके थे और आज देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गंगा घाटों का जायज़ा लेने और लोगों का अभिवादन करने निकले हैं, व्रतियों का अभिवादन करने निकले हैं, तो उनके साथ पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। पटना साहिब के जो विधायक हैं पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव वो मौजूद हैं, एमएलसी ललन सर्राफ जो जेडीयू के विधान पार्षद हैं वो मौजूद हैं। और ये दृश्य इस वक्त मुख्यमंत्री के उस स्टीमर से लिया गया है, उस बोट से लिया गया है, जिसमें पटना के गंगा तट का जो नज़ारा है वो कैद है। और मुख्यमंत्री लगातार हाथ जोड़ करके व्रतियों का अभिवादन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने नासरीगंज से अपना यह निरीक्षण शुरू किया था और गाय घाट तक उनका यह बोट गया और वहाँ से फिर वापस मुख्यमंत्री जो हैं वो एक अड़े मार्ग लौट आएंगे। कल सुबह उदयमान भास्कर को उन्हें अपने आवास पर भी अर्घ्य देना है। तो ये तस्वीरें आपके लिए। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।